डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन फैक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे पाई के तीन मान। अब पाई के कितने मान होते उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम सीखेंगे पाई के मान। क्या आप जानते हो कि पाई के कितने मान होते हैं? आपने अभी तक पाई के सिर्फ दो मान देखे होंगे, जैसे कि पाई का एक मान दशमलव निरूपण, तीन दशमलव एक चार एक डैश डैश डैश, मतलब दशमलव के बाद और भी संख्या होगी, तो यह क्या होता है? यह आसान दशमलव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आसान दशमलव। और पाई का यह मान आसान दशमलव कहलाने के कारण यह पाई का अपरिमेय रूप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय रूप कहलाएगा। इसके बाद पाई का एक और मान होता है 22/7, और ये पाई का क्या होता है? ये परिमेय रूप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? परिमेय रूप। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि पाई का एक और मान होता है, वो होता है 355/113, जो कि 3.141 आसान दशमलव होता है, आसान दशमलव अपरिमेय रूप होता है, और 22/7 जो कि परिमेय रूप होता है, ये दोनों से शुद्धतम माना गया है। तो हम कह सकते हैं पाई के कितने मान होते हैं? पाई के तीन मान होते हैं। पहला है 3.141 जो कि अपरिमेय रूप होता है, फिर है 22/7 जो कि परिमेय रूप होता है, फिर है 355/113। ये दोनों मान से शुद्धतम, पाई का शुद्धतम मान माना गया है। दोनों से शुद्धतम मान, पाई का शुद्धतम मान माना गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।